Hello friends, I am Naina and you are watching Sai Baba and Protect channel Trademark of Knowledge. Friends, कल हमने कुछ sentences बनाना सीखे थे, आज हम उन्हीं को और आगे खींच रहे हैं, ठीक है? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ future continuous tense, जिनकी पहचान होती है friends कि इनके sentence के last में मिलता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. अगर फ्रेंड्स आप कुछ ऐसा सेंटेंस बोल रहे हो जिसके पीछे ऐसा साउंड आ रहा है, रहा होगा, अरे यार अपन नहीं जा रहा, वो सो रहा होगा, अपन नहीं कर रहा है, वो खेल रही होगी, है ना यार, अभी अपन एक काम करते हैं, अभी अपन रुक जाते हैं, अपन सुबह बात करेंगे, अभी वो सो रहा होगा, है ना. अब देखो ऐसे बोलते हो ना, जैसे आप किसी को कॉल करना है, अब आपने कॉल किया, आपने टाइम देखा, अरे यार इतना लेट हो रहा है, तो आप क्या बोलते हो, अरे यार अभी बात नहीं कर रहे, कल करेंगे, वो सो रहा होगा, है ना. अब जैसे कोई फ्रेंड है या कोई सीनियर है, आपने कहा चलो उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो आपने टाइम देखा, आप बोलते हो अरे नहीं नहीं अभी नहीं, अभी वो कुछ काम कर रहे होंगे, वो बिजी होंगे, कुछ कर रहे होंगे. तो देखो ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, बिल्कुल बोलते हो, ईमानदारी से बता बोलते हो ना, तो बस इनको बनाने के लिए क्या करोगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को कॉल करोगे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को कैसे यूज करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं विल बी या फिर शैल बी, वर्ब में आती है आईएनजी, और अगर जो भी कुछ अगर अदरवाइज है तो वो फिर वो आ जाता है, ठीक है. अब फ्रेंड्स विल जो होता है वो सबके साथ लगता है, और जो शैल होता है वो केवल आई और वी के साथ लगता है. मतलब इतना सा ऐसे ऐसे लॉक कर लो कि अगर आई और वी होंगे तो हम शैल भी लगाएंगे और बाकी सबके साथ हम विल भी लगाएंगे, ठीक है. वर्ब में आईएनजी आने को टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है. अब सेंटेंस पे बात करते हैं. अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस दूं, ठीक है, छोटा सा सेंटेंस का मतलब वह कल जा रहा होगा, वह कल जा रहा होगा, आ गया ना रहा होगा. तो देखो वह कल जा रहा होगा, किसी लड़के की बात चल रही है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगा लो ही के साथ क्या आएगा, विल या शैल, विल आएगा. तो ही विल बी, जाने को क्या बोलते हो फ्रेंड्स, गो में क्या लगा दोगे आई एन जी. ही विल बी गोइंग, कब जा रहे थे भैया वो, टुमारो. ही विल बी गोइंग टुमारो. अब अगर वो दिल्ली जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग टू दिल्ली, ठीक है. मतलब अगर कहीं जा रहा है तो उस प्लेस का नाम लगा दो, और अगर कुछ ऐसा जैसे डे है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे टुमारो वगैरह है, तो फिर आप वो ऐड कर दो, ठीक है. वो खाना खा रहा होगा, वो खाना खा रहा होगा, ठीक है. मम्मी खाना बना रही होंगी, मम्मी खाना बना रही होंगी. अब मम्मी भी लिख सकते हो, मदर भी लिख सकते हो, मॉम भी लिख सकते हो, जो आप बोलते हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है. उनके साथ क्या लगेगा, मम्मी के साथ में विल बी. सो मदर विल बी, खाना बनाने को क्या कहते हैं, कुकिंग, कुकिंग फूड. तो आप वही लिख दो, मदर विल बी कुकिंग फूड, ठीक है. हम खाना खा रहे होंगे, हम यानी कि वी के साथ क्या लगाओगे, शैल. वी शैल बी ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे होंगे. हम पानी पी रहे होंगे, We shall be drinking water. तुम पानी पी रहे होगे. You के साथ क्या लगाओगे, will या shall, will. You will be drinking water. ठीक है, देखो कितने easily इन sentences को हमने बना लिया. अच्छा एक बात और, बच्चे भैया confused हो जाएंगे, फिर बोलेंगे कि अब क्या करें. अगर negative बनाना हो तो अगर आप लोगों ने मेरे टेंस के वीडियोस देखे हैं ना, तो ये क्वेश्चन तो आपके माइंड में आ गए कि मैम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्योंकि मैम ने बस यही चीज था जो दिमाग में ऐसे बता दी है कि जब भी किसी का नेगेटिव बनाना हो तो 1-2 3rd नंबर पे, थर्ड नंबर पे नॉट लगा दो, बस काम तमाम. भले वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, थर्ड नंबर पे नॉट आ जाता है, सिर्फ थर्ड नंबर पे. तभी तो कहती हूँ फ्रेंड्स एक बार प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर टेंस की वीडियोस देख लो, अगर नेगेटिव बनाना होगा तो तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना, नेगेटिव बन जाएगा. एक बार प्लीज वो वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद भी अगर कोई डाउट आए तो हम लोग हाजिर हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा. वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. घरों में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करती रहिए. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू.